हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 26 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर फ्रेंड्स डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16 को। तो चलिए फिर आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज़ फाउंड इन योर डेली रूटीन। तो आपकी सीक्रेट जो है ना सक्सेस का, वो आपके डेली रूटीन में ही छुपा होता है। अगर आपका डेली रूटीन इस तरह से है कि आप रेगुलर वे में एक अच्छे तरीके से अपने वर्क को कर रही हैं, जो भी आप टारगेट सेट कर रहे हैं उसे रोज रोज कंप्लीट कर रही हैं, अपना डेली रूटीन उसी तरह से सेट कर रखे हैं, तो आपकी जो सक्सेस है वो आप जल्दी उसे हासिल कर पाएंगे। लेकिन वहीं आप डेली रूटीन में उसको फॉलो नहीं करेंगे, आप चीज़ें कल पे टालते रहेंगे, तो सक्सेस उतनी ही आपसे दूर भागती चली जाएगी। तो इसलिए आपकी सीक्रेट जो है ना सक्सेस का, वो आपकी डेली रूटीन में ही छुपा होता है। उसे अच्छा करेंगे तो आप सक्सेस को ज़रूर हासिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। तो आज है देखिए 26 अगस्त, कौन सा इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है? वुमेंस इक्वालिटी डे। तो वुमेंस इक्वालिटी डे मनाया जाता है फ्रेंड 26 अगस्त को। महिलाओं के लिए जो है सेम इक्वल राइट्स, उनको सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, उसके लिए महिलाएं जो स्ट्रगल करती हैं उन सभी स्ट्रगल को ग्लोबल रिकग्नाइजेशन देने के लिए, यानी वैश्विक मान्यता देने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। और इस दिन की थीम भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, तो इसकी थीम क्या रही इस बार की? एम्ब्रेस इक्विटी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी टू रीच विच कंट्री इन अगस्त 2023 ऑन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्ट्रियल विजिट इन 40 ईयर्स। पीएम मोदी अगस्त 2023 में 40 वर्षों में पहली प्रधानमंत्री यात्रा पर किस देश में पहुंचे हैं? तो ये अभी रिसेंट इन्होंने विजिट किया है ग्रीस कंट्री में, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पहुंचे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहां पे देखिए जो बायलेटरल टाइज हैं, यानी हिंदी में बोले द्विपक्षीय संबंध हैं, उनको मजबूत करने के उद्देश्य से यूरोपीय देश के जो लीडरशिप है, नेतृत्व, उसके साथ बातचीत करने के लिए वो कहाँ पे पहुँचे हैं? ग्रीस पहुँचे हैं। जो लास्ट विजिट ग्रीस में की थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, वो की थी सितंबर 1983 में, जब कौन थी प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी जी, उन्होंने ट्रैवल किया था। तो उसके 40 वर्षों के बाद अब मोदी जी जो हैं ग्रीस में गए हैं, तो ये इनकी पहली मिनिस्ट्रियल विजिट है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर याद रखिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसरो इज प्रिपेयरिंग अ मून मिशन इज एसोसिएशन विद विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी विच हैज़ बीन नेम्ड ल्यूपेक्स और ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। तो इसरो जो है किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर एक नया चंद्रमा मिशन तैयार कर रहा है, जिसे नाम क्या दिया है? ल्यूपेक्स। तो ये किसके साथ मिलकर इसरो कर रहा है? तो जापान की स्पेस एजेंसी के साथ जो है मिलकर इसरो इस मिशन की तैयारी कर रहा है। ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो ल्यूपेक्स है, ये एक कोलैबोरेटिव वेंचर है जापान की एरोस्पेस कंपनी जेक्सा और बेंगलुरु हेडक्वार्टर कंपनी इसरो के बीच। और ल्यूपेक्स मिशन जो है इसको 2025 में देखिए लॉन्च किया जाएगा। अभी इस पे काम चल रहा है, दोनों कंट्रीज़ की स्पेस एजेंसीज पे वर्क कर रही हैं। और इसे कब लॉन्च किया जाएगा? 2025 में। अगला क्वेश्चन, द 26th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी टू डिलीबरेट ऑन प्रोवाइडिंग बेटर फैसिलिटी टू द सिटीजन्स। तो 26वीं देखिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई ई गवर्नेंस पर, जो 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, ये किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इस सम्मेलन का फ्रेंड्स आयोजन किया गया है इंदौर शहर में। इस सम्मेलन की थीम क्या रही थी? तो याद रखेंगे डेवलप्ड इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन्स, ये इसकी थीम रही थी। और इसका उद्देश्य यही था कि सिटीजन्स को बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तो इस सम्मेलन में 28 स्टेट्स और जो नो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके साथ साथ इंडस्ट्री के भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 कंडक्टेड बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। किस शहर ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा आयोजित जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है इसमें पहला स्थान हासिल किया है? तो नंबर वन पे इसमें कौन सी सिटी है? राइट आंसर इंदौर। तो इंदौर शहर रहा है इसमें नंबर वन पे, उसके बाद दूसरे नंबर पे है आगरा, तीसरे पे है महाराष्ट्र का ठाणे शहर, चौथे नंबर पे है श्रीनगर और पांचवे नंबर पे है भोपाल। आपको टॉप थ्री तो फ्रेंड्स याद ही रखनी है कि टॉप थ्री पे कौन कौन है ये पूछ सकते हैं। आगरा सबसे पहले, इंदौर है, देन आगरा, देन ठाणे, ये आप लोग ज़रूर याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द थीम ऑफ B20 समिट इंडिया 2023 विच स्टार्टेड रिसेंटली इन न्यू दिल्ली। B20 समिट इंडिया 2023 का थीम क्या है जो अभी हाल ही में नई दिल्ली में शुरू हुआ? तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि B20 समिट कहाँ पे शुरू हुआ? नई दिल्ली में। अब आते हैं इसकी थीम, तो इसकी थीम क्या है फ्रेंड्स याद रखेंगे? रेज। 3 दिन का जो ये समिट था इसमें यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर एस जयशंकर और G20 के जो इंडिया के शेरपा हैं अमिताभ कांत, इसके अलावा अलग अलग कंट्रीज़ के ट्रेड मिनिस्टर्स, बहुत सारे बिजनेस लीडर्स, उन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है, वो कर रहे हैं और इसमें वो अपने जो भी देखिए उनके आइडियाज़ हैं ऑन द इशू कंसर्निंग बिजनेसेस ग्लोबली, वो सभी आइडियाज़ वो यहाँ पे अपने शेयर करेंगे। तो याद रखेंगे पहली बात तो ये मीटिंग कहाँ पे या ये समिट कहाँ पे हो रहा है? न्यू दिल्ली में। और इस समिट की थीम ज़रूर याद रखेंगे, रेज। कुछ और G20 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करती हैं। तो देखिए अभी चौथी G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे हुई? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। चौथी G20 ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई जयपुर, राजस्थान में। यूथ 20 समिट इसका आयोजन हुआ वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। चौथी G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे हुई फ्रेंड्स? बेंगलुरु, कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस एडिशनल टेक्स्ट बुक्स ऑफ द स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी SCRT विच इनकॉर्पोरेट द टॉपिक्स दैट वर रिसेंटली डिलीटेड फ्रॉम द NCERT टेक्स्ट बुक। अभी देखिए कुछ जब से कोविड समय आया था उसके बाद NCERT के टेक्स्ट बुक से कुछ टॉपिक को हटा दिया गया था, तो उस किस स्टेट गवर्नमेंट ने एडिशनल टेक्स्ट बुक को जारी किया है जिसमें उन सभी विषय को, उन सभी टॉपिक्स को उसमें शामिल किया गया जो NCERT में से हटा दिया गया? तो ये अभी इंट्रोड्यूस किसने किया है? केरल सरकार ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। उन्होंने इस बात पे देखिए एम्फसाइज किया है, जोर दिया है कि जो छोड़े गए चैप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनको कहा गया है और उन्हें हटाया नहीं जाना था, इसलिए उन्हें NCERT के अलावा एडिशनल टेक्स्ट बुक को भाई देखिए जारी किया है जिनमें उन सभी चैप्टर्स को लेके आया गया है। बात करें यहाँ पे केरल स्टेट की, तो केरल के CM है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, लोकसभा सीटें हैं 20, राज्यसभा सीटें हैं 9, स्टेट एनिमल है यहाँ का इंडियन एलिफेंट, स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में है अनाई मुड़ाई शोला, इरेविकुलम नेशनल पार्क, माथी केटन शोला, पम्बा दम शोला नेशनल पार्क, पेरियार और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। बात करते हैं केरल से फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ की, तो केरल की जो पुलिस थी उन्होंने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया था महिलाओं की सेफ्टी के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स केरल ने जो है नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया था। केरल ने इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी। केरल सरकार ने वन स्कूल वन IAS स्कीम जो है इसे शुरू किया था। इंडिया का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा बना था? तो वो याद रखेंगे फ्रेंड्स, वो बना था केरल हाई कोर्ट। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने केरल में कुंजप एप्लीकेशन को लॉन्च किया था जिससे बच्चों को जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनसे बचाया जा सके। केरल का वायनाड डिस्ट्रिक्ट पहला डिस्ट्रिक्ट बना था जिसने सभी ट्राइबल लोगों को बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए। तो ये कुछ करंट अफेयर्स हैं फ्रेंड्स केरल से रिलेटेड। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन है, इन्फोसिस साइन
विश टेनिस प्लेयर एज एम्बेसडर फॉर 3 ईयर्स। इन्फोसिस ने किस टेनिस खिलाड़ी को 3 साल के लिए एम्बेसडर के रूप में साइन किया है? तो किस टेनिस प्लेयर को साइन किया है इन्फोसिस ने? राफेल नदाल को। बात करें कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स की, तो दीपिका पादुकोण देखिए पोइट्री बार्न और लुई विटों की ब्रांड एम्बेसडर बनी। अनुष्का शर्मा ब्रांड एम्बेसडर हैं प्यूमा इंडिया की। कैटरीना कैफ को अपॉइंट किया एक्वाफिना की ब्रांड एम्बेसडर। जानवी कपूर जो है नाइका फैशन की ब्रांड एम्बेसडर हैं। श्रद्धा कपूर हैं एसिक्स की और रोहित शर्मा जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन दी चेस वर्ल्ड कप फाइनल 2023? शतरंज विश्व कप फाइनल 2023 किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। तो मैग्नस कार्लसन ने जो चेस वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था ये जीता। इनके अगेंस्ट में कौन थे? इंडिया के चेस ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद। तो टाई ब्रेकर में इन्होंने इंडिया के चेस ग्रैंड मास्टर को डिफीट किया। ये भी याद रखेंगे, ये इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आर प्रज्ञानंद जो है वो चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे थे और ये यंगेस्ट वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट हैं अभी तक के और यंगेस्ट वर्ल्ड कप विनर भी। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज़ अ ब्रांड टाई अप विद विच कंपनी फॉर द अपकमिंग मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 टू बी हेल्ड इन इंडिया बिटवीन 5th अक्टूबर एंड 19th नवंबर। तो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच में जो देखिए भारत में मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है उसके लिए किस कंपनी के साथ में आईसीसी ने जो है टाइप किया है, ब्रांड टाइप किया है? तो आईसीसी ने अभी मास्टर कार्ड के साथ में ब्रांड टाइप किया। अब देखिए इसी के साथ मास्टर कार्ड आईसीसी के जो और अदर पार्टनर्स हैं जैसे MRF टायर्स, booking.com, आरामको एंड एमिरेट्स, इनके साथ अब मास्टर कार्ड भी जो है इनकी लिस्ट में शामिल हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द सिनसिनाटी ओपन 2023 टाइटल आफ्टर डिफीटिंग कार्लोस एल्काराज ऑफ स्पेन? स्पेन के कार्लोस एल्काराज को हराकर जो सिनसिनाटी ओपन देखिए कप है, ये टाइटल है, ये किसने जीता है? तो सर्बिया के जो प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच, उन्होंने ये टाइटल जीता है और ये टाइटल में डिफीट किसे किया था ये भी याद रखेंगे, स्पेन के प्लेयर कार्लोस एल्काराज को। तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स आज के होते हैं कंप्लीट। अब कवर करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा, इंडियन गवर्नर की बात हो रही है तो CD देशमुख जी जो थे ये ICC के पहले इंडियन गवर्नर थे, सॉरी ICC नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था RBI का? 1 जनवरी 1949 को। RBI का हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स कहाँ पे है? मुंबई में। RBI के अगर फर्स्ट गवर्नर की बात करते हैं वो कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ये ऑस्ट्रेलिया के थे। लेकिन अगर RBI के पहले इंडियन गवर्नर की बात करेंगे तो आंसर होगा CD देशमुख। और करंट में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जो है RBI के फ्रेंड्स करंट में गवर्नर हैं, ये भी याद रखें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद द राइट टू एजुकेशन? कौन सा आर्टिकल जो है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? सही आंसर है आर्टिकल 21A, ये राइट टू एजुकेशन से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वायसराय इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेलवेज? किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? आंसर लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? प्राइम मिनिस्टर के जो कर्तव्य हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 78 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू विच फिनोमिना इज द स्काईज कलर इज ब्लू? किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला है? हमें आकाश का कलर नीला क्यों दिखाई देता है, किस वजह से? बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा रीज़न है और इस तरह के क्वेश्चन साइंस से अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं।
तो यहाँ हमारी टोटल कंप्लीट होते हैं क्वेश्चंस। अब आते हैं रिवीजन पे। तो चलिए फटाफट से कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करती हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून्स साउथ पोल सक्सेसफुली। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट है कि इंडियन कोस्ट गार्ड एंड विच कंट्रीज कोस्ट गार्ड साइन अ MOU ऑन एनहेंस्ड मैरीटाइम कोऑपरेशन। भारतीय तटरक्षक और किस देश के तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने पर एक समझौता किया? तो राइट आंसर इज फिलिपिन। नेक्स्ट, हाउ मेनी न्यू कंट्रीज विल ज्वाइन द ब्रिक्स अलायंस फ्रॉम 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स गठबंधन में कितने नए देश शामिल होंगे? टोटल 6। कौन कौन से ये भी याद रखेंगे, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, अर्जेंटीना, UAE और सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट, द फोर्थ G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये कौन से शहर में हुई? तो जो चौथी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक हुई वो क्वेश्चन में ही हो गया है, ये वाराणसी में हुई। अगर हम बात करें पहली मीटिंग की, तो पहली मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी फ्रेंड्स खजुराहो में। सेकंड मीटिंग जो हुई थी ये कहाँ हुई थी याद रखेंगे फ्रेंड्स, भुवनेश्वर में। और तीसरी मीटिंग जो हुई थी ये हुई थी हम्पी कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ केरला हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट AI स्कूल सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ स्टेट। तो केरल ने जो अपना पहला AI स्कूल स्थापित किया है ये तिरुवनंतपुरम में इसे स्थापित किया। नेक्स्ट, स्मार्ट ई मोबिलिटी के चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया है? आंसर मनोज कोहली। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ खेलो इंडिया वुमेन्स लीग? तो खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका नया नाम है अस्मिता वुमेन्स लीग। तो यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस। कल आप लोगों से जो हमने टेस्ट के क्वेश्चन पूछे थे उन्हें डिस्कस करते हैं। तो पहला था जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आई थी उसमें भारत की रैंक क्या है? भारत उसमें 13 प्लेस पर था और नंबर 1 पर उसमें है अफगानिस्तान। और PM जो मेगा जो टेक्सटाइल पार्क से इंडिया में 7 स्टेट में देखिए उनको सेटअप करने की बात कही गई, तो वहाँ पे था 7। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आपके सभी के बिल्कुल सही आंसर थे दोनों क्वेश्चंस के। आज के हमारे कमेंट हैं अविता एंड तपन नायक, सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब फ्रेंड्स ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोग भी देखिए ज़रूर क्वेश्चंस को सॉल्व किया करें। डेली हम आपसे टेस्ट में 2 क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड दी हरेला फेस्टिवल? तो हरेला त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया गया? और दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खेत सुरक्षा योजना को पूरे स्टेट में लागू किया है? तो ये 2 क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए। आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स ज़रूर बताएं। इसी के साथ आज का इम्पॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स। और अगर हम हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। आप लोगों से फिर इम्पॉर्टेंट क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।